गुड मॉर्निंग। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सीट डिस्पर्सल के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीट डिस्पर्सल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सीट डिस्पर्सल का मतलब होता है बीज वितरण, यानी बीज जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिखरना या विकर्ण। इसका डिफिनेशन है कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। मदर प्लांट से पौधे का बिखरना बीज विकर्ण कहलाता है। तो बीज कैसे बिखरते हैं, विकरण बीजों का विकर्णन कैसे होता है, इसके कुछ कारक हैं और उन कारकों को मैंने आप उनको बोर्ड पर दर्शाया है। ये डिस्पर्सल एजेंट्स जो है वह पहला जो है बी डिस्पर्सल बाय बी, हवा के द्वारा बीज जो है डिस्पर्सल होते हैं, बिखरते हैं। तो बीज कुछ पौधे के बीज जो होते हैं वह बहुत हल्के होते हैं और हवा के झोंके के द्वारा वह एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जहाँ पर अनुकूल परिस्थिति पा करके नए पौधे के रूप में जम लेते हैं। उदाहरण के रूप में कॉटन सीड यानी कपास का बीज। कपास का बीज जो है बहुत हल्का होता है और हवा के झोंके से वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है और वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति पा करके वह नए पौधे के रूप में उगाते हैं। दूसरा है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा विकरण। तो कुछ पौधे के बीज जो हैं वह पानी के बहाव के साथ एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति पा करके नए पौधे उगाते हैं। उदाहरण के रूप में है कोकोनट से नारियल का बीज। नारियल का बीज जो है वह नारियल के बीज जो है समुद्री जल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो समुद्र के किनारे वह लग जाते हैं और वहाँ पर वह अनुकूल परिस्थिति पा करके फिर नए नारियल के पौधा उगाता है। तीसरा है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा विकरण। तो जानवरों के द्वारा भी जो है बीज विकर का बिखराव होता है। जैसे कुछ जानवरों जो हैं वह फलों को खाते हैं, उनके बीज जो है वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वह शरीर के द्वारा बाहर निकलता है और जहाँ पर वे रहते हैं तो वो बीज जो है शरीर से बाहर आकर के जमीन पर चला जाता है, तो वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति पा करके बीज जो है वह उसका जो है सीडलिंग होता है जिससे नए पौधे उगते हैं। और जानवरों के द्वारा भी इसी तरह के होता है, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं और जानवर जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनके शरीर से वह बीज जो है बिखर जाता है और यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति पा करके वह बीज जो है नए पौधे के रूप में जन्म दे देता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऑरेंज पियर। चौथा है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, यानी फूटने करके जो है बीज जो है बिखर जाता है। कुछ ऐसे भी पौधे के बीज हैं जो पकने के बाद अपने आप फूट जाते हैं और उनका बीज जो है बिखर जाता है और वह बीज अनुकूल परिस्थिति पा करके फिर नए पौधे के रूप में जन्म ले लेता है। जैसे डॉक्टर ने दिया हुआ है लेडीज फिंगर, जिसको हम लोग कहते हैं भिंडी। भिंडी का बीज जो है वह जब पक करके तैयार हो जाता है तो स्वतः जो है वह अपने आप फूट जाता है और उसका बीज जो है बिखर जाता है और बिखरने वह बीज जमीन पर गिरता है, वहां पर नए पौधे अनुकूल परिस्थिति में आकर के वह बीज नए पौधे के रूप में निकलते हैं। अब उसकी बात है आपका क्रॉप फसल। फसल क्या डिफिनेशन क्या है, द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी ज्यादा मात्रा में अनाज फल और सब्जियां
ग्रोन बाय ए फार्मर किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं। इन ए पार्टिकुलर सीजन खास सीजन में इन ए पार्टिकुलर प्लेस खास जगह में इज कॉल्ड क्रॉप्स फसल कहलाता है। किसानों के द्वारा अनाज फल सब्जी खास सीजन में ऋतु में खास जगह में उगाया जाता है उसको फसल कहा जाता है। और ये दो टाइप कहते हैं जो हम आगे आप लोगों को बताते हैं। अब हम लोग मैं जो है आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दो क्रॉप्स जो है वह दो तरह के होते हैं, पहला है रबी क्रॉप्स और दूसरा है खरीफ क्रॉप्स। तो वैसे फसल जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं और उनको उन्हें मार्च महीने में काटी जाती है, तो वैसे क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स। और दूसरा है जिससे इसका एग्जाम्पल है वीट ग्राम आलसी। दूसरा है खरीफ क्रॉप्स, तो वैसे क्रॉप्स जिसको हम लोग जो है गर्मी के मौसम में होते हैं और मौसम के टाइम में हम लोग उसका फसल को काट लेते हैं, वैसे फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे आपका पैडी, एग्जाम्पल के रूप में पैडी। उसके बाद में आगे हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का जो है विभिन्न स्टेज क्या है। पहला स्टेज क्या होता है कि माने हम लोग खेती कैसे करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। पांच पॉइंट आपका दर्शाया हुआ है। पहला पॉइंट है कि द फील्ड इज प्लॉग, यानी खेत की जुताई कर, सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं। इट लूजेस द सॉइल, खेत की जुताई करने से खेत में की मिट्टियां तो मिट्टी मुलायम हो जाती है। दिस हेल्प्स टू गेट एयर इनटू द सॉइल, तो मिट्टी के गिराव मुलायम होने के कारण मिट्टी में हवा, मिट्टी को हवा मिलती है। दूसरा है मैनुअल्स लाइक कार्बन एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इनरिच द सॉइल। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया हम लोग करते हैं कि मुलायम मिट्टी में उर्वरक मिलाते हैं, उर्वरक और जो है रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरकों को मिलाते हैं। जैसे खाद के रूप में गाय का गोबर, गाय के गोबर को मिलाते हैं उसके, और रासायनिक उर्वरक जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं उस मिट्टी, उसको मिट्टी में मिलाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यानी फसल जो होता है वह ज़्यादा उपजाऊ होता है। तीसरा है हेल्दी सीड्स आर सोन। उसके बाद जो है अगला स्टेज है, उसके बाद हम लोग जो है स्वस्थ बीज को बोते हैं, यानी स्वस्थ बीज जो है उसको नहीं बोते हैं क्योंकि उससे जो है फसल अच्छी, फसल का उत्पादन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसी लिए हम लोग जो है स्वस्थ बीज को, हेल्दी सीड को हम लोग बोते हैं। चौथा पॉइंट है द क्रॉप इज इरिगेटेड। उसके बाद जो है जब सीड को बोते हैं, बीज को जब बो देते हैं तो उसके बाद जो है उसमें से पौधे जो है पौधे निकल फसल उगती है, तो फसल को हम की सिंचाई अच्छी तरह से करते हैं, समय समय पर उसकी सिंचाई करते हैं। और उस अंतिम पॉइंट है द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। जब फसल पर तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उसकी कटाई करते हैं। और वह कटाई के लिए आगे हम क्लासों में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसकी कटाई करते हैं, मशीन के द्वारा भी करते हैं, मानव के द्वारा भी होता है। और उसके बाद जो है प्रोटेक्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल जब हम काटते हैं तो उसकी फसल की रक्षा करते हैं, किस तरह से उसको सुरक्षित करते हैं, और ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के विभिन्न स्टेजों का नाम बताएं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर एनिमल्स हेल्पफुल इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स।
जानवर बीज के विकर्णन में कैसे मदद करते हैं। तीसरा है आपका डिफाइन, परिभाषित करना है रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर व्हाट्सएप नंबर आपका दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दे देंगे।